निर्भया के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी हुआ है और चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है। फैसले पर निर्भया की मां ने खुशी जताते हुए कहा कि उम्मीद है कि ये कम से कम फाइनल तारीख हो। तो 20 मार्च की तारीख कोर्ट ने दी है, सुबह 5:30 बजे फांसी होगी। डेथ वारंट में ये समय मेंशन है, ये समय लिखा हुआ है और इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए निर्भया की मां ने कहा कि अब उम्मीद है कि ये फाइनल तारीख हो। 3 बार और फांसी दे चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं मीडिया प्रेशर में भारत के संविधान के रहते हुए कितनी बार आप फांसी दोगे, कितनी बार मारोगे लोगों को। ये आतंकवादी नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, जेल में सुधर रहे हैं, जेल में संभल रहे हैं, अपना सुधार कर रहे हैं, अपना परिवर्तन कर रहे हैं। जेल में रह के आपकी आवाजें, आपकी चीखे ये बता रही है कितना प्रेशर है। ये चौथा डेथ वारंट जारी किया है, आज फिर एक बार नया डेट वारंट जारी हो गया क्योंकि अब उनकी कोई लीगल रेमेडी नहीं है। मर्सी खारिज हो गई चारों की, फाइनली आज चौथा बार डेट वारंट जारी होगा। तो अब उम्मीद करते हैं ये डेट फाइनल हो, उसी डेट पे इनको फांसी हो। हमारी मर्सी पिटीशन के आर्टिकल 72 को आप खत्म करना चाहते हैं। कोर्ट हमें ये कहती है कि आप आग से खेल रहे हैं, ये आपके लिए परिणाम गलत होंगे। इसका मतलब मुझे डराया जा रहा है, मुझे भयभीत किया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, मेरा हरेसमेंट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी अधिकार प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है। ये बिल्कुल कोर्ट ने इसमें 20 मार्च नेक्स्ट चौथा कितनी बार मारोगे, 4 बार आप डेथ वारंट दे दे के मार चुके हो, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे चुके हो, आप उनकी जुडिशियल मर्डर कर रहे हो, जुडिशियल किलिंग कर रहे हो। इस चीज का एक अंत होता है और अब उनकी कोई रेमेडी नहीं है चारों में से। तो फाइनली अब नया डेट वारंट जारी हुआ है, अब उसी डेट पे इनको फांसी होगी। फिर भी जब तक उनको फांसी नहीं होती है तब तक हम हर पल तैयार हैं लड़ने के लिए, क्योंकि जब तक उनकी फांसी नहीं होगी तब तक एक एक नया पैंतरा करेंगे। लेकिन फांसी पोस्टपोन हो ऐसी उनकी कोई सरकारी नहीं। सीआरपीसी कहती है एक से अधिक नहीं मार सकते, आप इतनी बार मार चुके, इतनी बार हत्या कर चुके, जुडिशियल किलिंग मत कीजिए, स्टेट द्वारा प्रायोजित मर्डर मत कीजिए। बड़ी जीत मानती है आशा जी, एक बड़ी जीत आपकी, लंबे समय से आप कोर्ट में आ रही थी, एक आखिरी डेथ वारंट है। उसी दिन होगी जब चारों लटक जाएंगे, लेकिन अब ये है कि ये फाइनल डेट वारंट है, उस डेट जल्दी लीगल रेमेडी अभी बची हुई है अक्षय की। आपने देखा कोर्ट में अक्षय की मर्सी पिटीशन जेल में रिसीव कराई। कोर्ट ने पूछा कि जेल में मर्सी पिटीशन अक्षय की है, जेल ने कहा हाँ है। राष्ट्रपति भवन की रिसीविंग दिखाई कि मर्सी पिटीशन रिसीविंग है दिखाई, और उसके बाद वो साइलेंट है, वो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल वो चुप है। देखिए कई तरह की लीगल बाधाएं आई थी, लेकिन जब 7 जनवरी को पहली बार डेथ वारंट इशू हुआ था उसी समय हमने कहा था कि ये पहला है, क्योंकि अब वो मर्सी पिटीशन, क्यूरिटी पिटीशन और बाकी अपनी जितने भी बचा के रखे हैं वो खत्म करेंगे। अब सबकी क्यूरिटी पिटीशन भी खारिज हुई, चारों की मर्सी पिटीशन भी खारिज हुई, रादर 2 केसों में तो पोस्ट मर्सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की याचिकाएं खारिज की हैं। तो आज के दिन में कोई भी चीज पेंडिंग नहीं थी किसी भी स्तर पे, और 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे का वक्त तय किया गया है इन दरिंदों को फांसी पे चढ़ाने के लिए। कोरोना ने भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना से संक्रमण के संदिग्धों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कोरोना के एक और मरीज में वायरस की पुष्टि हो गई है। गुरुग्राम में पेटीएम के एक कर्मचारी में कोरोना कंफर्म हुआ, जिसके बाद दहशत और बढ़ गई। कोरोना का दायरा बढ़ रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना के असर से अब तक भारत अछूता था, अब ऐसा नहीं रहा, खतरा पांव पसार रहा है। देश भर से कोरोना के खौफ के मामले सामने आ रहे हैं, हर तरफ डर और बेचैनी है। गुरुग्राम में पेटीएम के कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई है।
कर्मचारी हाल ही में इटली से छुट्टी मनाकर लौटा था। पीड़ित कर्मचारी का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। पेटीएम ने गुरुग्राम का दफ्तर बंद कर दिया है, कर्मचारी घर से काम करेंगे। देश में कोरोना वायरस की दस्तक होते ही तमाम जगह सिक्योरिटी और चेकिंग भी तेज कर दी गई है। खास तौर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में, हम इस वक्त दिल्ली के एयरपोर्ट में है और यहाँ से इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो जो पैसेंजर्स हैं वो आते हैं। एक सज्जन है हमारे साथ। जब यहाँ पहुँचा तो इन्होंने चेकिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चेकिंग होनी चाहिए। कोरोना ने भारत में घुसपैठ की उन इटालियन सैलानियों के जरिए जो कई दिनों तक राजस्थान के कई शहरों में घूमते रहे। इटालियन सैलानियों का दल जैसलमेर से जिस होटल में ठहरा था वहां के कर्मचारी में कोरोना संक्रमण का अंदेशा जताया जा रहा है। इटालियन सैलानी झुंझुनू के जिस होटल में ठहरे थे उसके 6 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण का खतरा है। इन कर्मचारियों के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। इटालियन सैलानी जिन जिन होटल में ठहरे हैं उन कमरों को सील कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर जयपुर से 2-3 टीमें आई हुई हैं, इसमें हॉस्पिटल से वो जांच कर रही हैं। साथ ही हमारी यहाँ की कुछ टीमें बन के जांच कर रही हैं। हमारे अधिकारियों को वहाँ बिठा रखा ताकि जांच की स्पीड बढ़े। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए यूपी में भी खास तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना प्रभावित 12 देशों के 2,303 सैलानी हैं। 105 सैलानियों में कोरोना वायरस के लक्षण नजर आए हैं। 697 सैलानियों को निगरानी में रखा जा रहा है। लक्षण वाले 7 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के जिस होटल में इटालियन सैलानी ठहरे उसकी बुकिंग रोक दी गई है। लखनऊ में खुले में मांस की बिक्री रोक दी गई है। हम आगरा में हैं और आगरा ताज के लिए जाना जाता है। ताज का दीदार करने वालों में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने अपील की है, सरकार ने अपील की है कि मास्क पहने, ज्यादा से ज्यादा जो जहां भीड़ होती है वहां न जाएं। ये एक परिवार है जो लखनऊ से आया है आगरा ताज का दीदार करने के लिए। डरने से ज्यादा जरूरी प्रिकॉशन लेना है। मुझे लग रहा है अगर सब लोग प्रिकॉशन लें तो इस खौफ को दूर किया जा सकता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी है और इस डर के नहीं जी जा सकती है। गुजरात सरकार भी कोरोना के खिलाफ जंग में उतर चुकी है। थाईलैंड और मलेशिया से आए 2 अलग अलग लोगों को सूरत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो अहमदाबाद में भी एक महिला को शक की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार पहले चरण में वायरस की टेस्टिंग के लिए 15 लैब बना चुकी है, जबकि 19 और लैब बनाने की तैयारी है। हर राज्य के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम किया जा रहा है। रैपिड एक्शन टास्क फोर्स भी बनाई गई है। आज तक ब्यूरो। कोरोना को कैसे हराना है इसकी मिसाल खुद सांसदों ने पेश की। आज कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता सैनिटाइजर लेकर संसद पहुंचे। अमरावती सांसद नवनीत राणा ने कल मास्क में संसद पहुंचकर जो ट्रेंड सेट किया आज उसे आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता ने आगे बढ़ाया। आप सांसद मुंह पर काला मास्क लगाए हाथ में सैनिटाइजर लिए संसद पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सैनिटाइजर देने की कोशिश की, लेकिन स्मृति ने लिया नहीं। मैडम सैनिटाइजर यूज करें, आप ही थोड़ा सा कर रहे। बाद में कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा तुरंत वहां पहुंच गए। सुशील गुप्ता ने राज्यसभा में स्कैनर लगाने की मांग की है। मैं राज्यसभा के सभापति महोदय को एक पत्र भी दे रहा हूँ कि थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए यहाँ पे। कोई अगर बाहर से गया है, एक जो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि चाइना में, दुबई में या जिन इन कंट्रीज के अंदर कोई व्यक्ति गया है पिछले 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, तो उसका कम से कम बचना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए। ऐसे अंडरटेकिंग यहाँ पे लेनी चाहिए, और उन व्यक्तियों के संपर्क में आया है तो भी एक अंडरटेकिंग लेनी चाहिए ताकि ये चीज फैलने से रुक सके। राज्यसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद भी हैंड सैनिटाइजर के साथ आए। उन्होंने जयराम रमेश के साथ हैंड सैनिटाइजर साझा किया। गौरतलब है कि कल पूर्व मंत्री अल्फोंस भी सैनिटाइजर लेकर आए थे। हम कोई सरफेस में पकड़ने तो टच करने तो उसके बाद हम तो ये सैनिटाइजर हैं, ये तो एक ड्रॉप डालो बस, हाथ में बस एक ड्रॉप डालना है और उसको प्रॉप कर दो ठीक से, ठीक है बस।
अभी तक करना है, अभी तो मास्क यूज करने के लिए जरूरत नहीं है, अभी तो इतना स्प्रेड नहीं हुआ है, पर लेकिन हम सारा सिटीजन को केयरफुल होना है। संसद के बाहर इन हल्के फुल्के क्षणों के बाद संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उन तैयारियों का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया जो कोरोना के खिलाफ ऐलान जंग में किए गए। To ensure availability of critical items like personal protective equipments and N95 masks, the exports of the same were also restricted. Testing of clinical samples has also been initiated in 15 more laboratories. Another 19 laboratories are being prepared to test samples to ensure adequate geographical spread across the country. A 24/7 control room is operational with call center number as 011-2397-8046. So far, more than 9,200 calls have been attended, including 667 international calls. इस मौके पर पुणे के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी कोरोना टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने की मांग उठी तो समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने आयुर्वेद को कोरोना की काट बताया। Requested Odisha state government to request central government to set up such testing centers in different states, including Odisha. So may I suggest the honorable minister to, as far as possible and as early as possible, to open such testing centers in different part of the country so that it will be easy to know the result as early as possible to detect the case. शहरी मामलों में कुछ शहरों के अंतर्गत ये है, इसलिए विदेशों से आने जाने वालों पर नजर रखिए और ये कहीं देहात यात में जाने वाला नहीं है। हमारी तमाम आयुर्वेद की ऐसी दवाइयां वगैरह हैं जो सब कोरोना को भगा देंगी, ज्यादा लोगों के मन में भय पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोरोना के खिलाफ सरकार ऐलाने जंग छेड़ चुकी है। देश में अब तक 29 केस सामने आ चुके हैं। उधर चीन में कोरोना वायरस से 31 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मामलों की संख्या 80,400 से ज्यादा है। आनंद पटेल और हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में मास्क और सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई है, लेकिन बाजार की हालत यह है कि दिल्ली समेत कई शहरों में मास्क और सैनिटाइजर की भारी किल्लत हो गई है। काले मास्क, हरे मास्क, नीले मास्क, सफेद मास्क, कोरोना वायरस के हमले के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मांग में है तो वो है मास्क। जहां जाइए मास्क पहने लोग मिल जाएंगे, बड़े से बच्चे तक सब मास्क में नजर आ रहे हैं। देखिए, आप आसपास देख पाएंगे मेरे के लोग जो हैं वो खुद भी काफी प्रिकॉशन ले रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, माँ बाप जो है मेक श्योर कर रहे हैं कि छोटे बच्चे भी इस समय मास्क पहन के रहें। यहाँ पे ज्यादातर जितने लोगों को हमने देखा है, हमने ये देखा है कि वो सभी लोग मास्क पहने हुए हैं। कोरोना के बढ़ते डर ने मास्क की मांग इतनी बढ़ा दी है कि कई शहरों में इसकी कमी हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट का ही हाल देखिए कि दिल्ली में आप कहीं भी जाएं, काफी सारे केमिस्ट इस समय कह रहे हैं कि स्टॉक खत्म हो चुका है, स्टॉक नया उनको मंगवाना पड़ेगा। आइए यहाँ इनसे जानते हैं, आपके पास सैनिटाइजर अभी अवेलेबल है? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। कब तक आएगा कुछ उम्मीद? कोई आइडिया नहीं है, अभी आइडिया नहीं है। आपके पास मास्क अवेलेबल है? ये हाल दिल्ली के कई इलाकों का है। मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बढ़ती मांग पूरी नहीं हो पा रही है। दिल्ली के नॉर्थ कैंपस इलाके में जहां छात्रों की घनी बसावट है, केमिस्ट दुकानों पर मास्क और सैनिटाइजर के लिए लगातार भीड़ उमड़ रही है। इस समय हमारे पास डिमांड है थर्मोमीटर की, सैनिटाइजर की और मास्क की, तीनों में से कुछ भी हमें बाजार में मिल नहीं पा रहा। आज तक की टीम जब दिल्ली से सटे नोएडा के एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो वहां भी मास्क और सैनिटाइजर का स्टॉक खत्म मिला। इसके दूसरे इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं। कुछ कारोबारियों ने इसका फायदा उठाकर मास्क और सैनिटाइजर की कीमत अचानक दोगुनी तक बढ़ा दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 150 रुपए में मिलने वाला NH95 मास्क 300 रुपए तक पहुंच गया है। N95 जो मास्क है वो 60 रुपए से 70 रुपए तक अवेलेबल था, लेकिन आज की तारीख में वो 300 रुपए में अवेलेबल नहीं है। उसका कारण यही सबसे ज्यादा हुआ कि कोरोना वायरस के चलते काफी शॉर्ट सप्लाई मार्केट में हो गया और अब मिल भी नहीं रहा है। एक तरफ मौके का फायदा उठाकर कुछ कारोबारी मुनाफा काटने में जुटे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो इस मौके पर लोगों को मुफ्त ये सेवा दे रहे हैं।
पटना के कारगिल चौक पर यूथ एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों में मास्क वितरित किया। एक तरफ देश में कोरोना के खिलाफ सरकार एलाने जंग छेड़ चुकी है और दूसरी तरफ कई इलाकों में मास्क और सैनिटाइजर न मिलने की शिकायत। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली हिंसा के आरोपी आप पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। 8 दिन से फरार ताहिर हुसैन ने पहले आज तक से आप बीती बताई और फिर सरेंडर करने कोर्ट पहुंचा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली हिंसा के आरोपी का ऑन कैमरा खुलासा। बिल्कुल बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं हूँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी जान की भीख मांगी। फरार पार्षद से सुनिए 8 दिनों में कहाँ छिपे थे। मैं जगह जगह इस तरह से इधर उधर दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में आसपास ही हूँ, 2-3 दिन वहीं रहा था, अपने इलाके में रहा था। फरार पार्षद बता रहा है सरेंडर करने से क्यों कतराए। जिस तरह से मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू मेरे लिए दुष्प्रचार किया गया था, तो मैं बहुत डर गया था और हम लोग पिछले फ्राइडे को सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था कोर्ट का, जिसकी वजह से मैं वापस आना पड़ा। जिसे दिल्ली पुलिस चिराग लेकर ढूंढ रही थी, उसे आज तक ने ढूंढ निकाला। हफ्ते भर से दिल्ली पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा आम आदमी पार्टी का आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन पहली बार कैमरे के सामने आया और अपनी फरारी की वजह बताई। मेरा अल्लाह मेरा भगवान जानता है, मैं बेकसूर, मैं निर्दोष हूँ, मैं खुद अपने परिवार की जान बचाकर वहाँ से निकला हूँ। मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूँ, जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो ये बात साबित भी हो जाएगी कि मैं वहाँ से वाकई में, मैं खुद दंगाइयों से, मैं खुद पीड़ित हुआ हूँ। और दंगई किसी भी मजहब का हो, दंगई दंगई होता है। मैं हर तरह की जाँच के लिए तैयार हूँ, कोई भी जाँच के लिए मैं तैयार हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे देश में लाइव किया जाए, मेरा नार्को टेस्ट भी कराया जाए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब सच सामने आ जाएगा। ताहिर हुसैन पर 3-3 मुकदमे दर्ज हैं, हत्या का संगीन केस है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हिंसा की आग भड़काने में इसी शख्स का हाथ था। ताहिर हुसैन ने अग्रिम जमानत की याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उम्मीद डूबती दिखी तो सामने आने में ही अपनी भलाई समझी। आज तक के कैमरे पर ताहिर हुसैन ने सरेंडर का इरादा बताया, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने आरोपी पार्षद को दबोच लिया। जिस तरह से मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू मेरे लिए दुष्प्रचार किया गया था, तो मैं बहुत डर गया था और मुझे जो है वकीलों ने जो ये बात की थी आपकी जमानत हो जाएगी, याचिका हम लगाते हैं, हम लोग पिछले फ्राइडे को सरेंडर करने जा रहे थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था कोर्ट का, जिसकी वजह से मैं वापस आना पड़ा। फिर सैटरडे संडे जो है हम लोग इसमें थे कि हम मंडे को याचिका लगा देते हैं, मंडे को पेपर तैयार किए थे, उसके बाद याचिका लगाई है, जो कि फिर ये आज मालूम पड़ा कि इसमें और भी चार्ज हमारे ऊपर लगा दिए हैं, तो इसलिए अब हमें सरेंडर करने ही हमारे पास ऑप्शन है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है और ये जो गाड़ी है इसमें लेकर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो निकल रही है और ये वो गाड़ी है जिसमें लेकर क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। गिरफ्तारी से पहले ताहिर हुसैन ने आज तक को फरारी की पूरी कहानी अपनी जुबानी बताई, खुद को बेकसूर और सियासी साजिश का शिकार बताया। मेरी खुद की जिंदगी तबाह हो चुकी है, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं एक वहाँ का आम आदमी पार्टी का काउंसलर था और एक मेरा नाम ताहिर हुसैन था, वहाँ पे जाना माना चेहरा था, इसलिए मुझे षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश। किसने फंसाया आपको? इस वक्त कौन है सर? भाजपा है, जो हमारा पुराना साथी दोस्त रहा है कपिल मिश्रा, उसका कोई इसमें खेल रहा है, जो भी रहा है। ताहिर हुसैन का हिसाब किताब अब अदालत को करना है, पुलिस जांच करेगी, अदालत को सबूत सौंपेगी, सबूतों के बिना पर अदालत फैसला करेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के नाम तो एक और नाकामी दर्ज ही हो गई है, एक तो हिंसा रोकने में असफल रही, फिर फरार आरोपी को ढूंढने में भी नाकाम हुई। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ताहिर हुसैन 8 दिन से दिल्ली पुलिस को गच्चा दे रहा था, दिल्ली पुलिस के पास सबूत थे, चश्मदीद थे, लेकिन ताहिर हुसैन दिल्ली में मौजूद था लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहा। जब कहीं बचाव से रास्ता नहीं दिखाई दिया ताहिर हुसैन को, तो आरोपी पार्षद को आखिरकार सामने आना पड़ा, सरेंडर की बात कहनी पड़ी। ये 3 पेट्रोल बम्स यहाँ पर, गुलेल यहाँ पर, यहाँ से सामने वाले घर आपको दिखाई दे रहे हैं और यहीं से
जो आते जाते लोग हैं, सामने वाले घर हैं, उन सब पर हमला किया जा रहा था। बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, ताहिर हुसैन को अंदर होना चाहिए। राइफल्स, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को तुरंत तैनात कर दिया गया। सेना की टीम ने सोपोर में सख्त घेराबंदी की है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धारा 370 समर्थित आतंकी जम्मू कश्मीर को अशांत करने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में 2000 ये देखिए तमाम पत्थर, पेट्रोल बम, ये सब यहाँ पर उसी तरह से मौजूद है और ये एक बार फिर से पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से हिंसा रची गई, किस तरह से हिंसा फैलाई गई और ये सब कुछ यहीं पर हो रहा था। कार्टन में बाकायदा सजे हुए पेट्रोल बम बता रहे हैं कि किस तरह से साजिश रची गई थी और किस तरह से यहां से अटैक किया जा रहा था। से 2019 के बीच आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में 67 पैच आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में सशस्त्र बलों के द्वारा आम नागरिकों की बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, ताहिर हुसैन को अंदर होना चाहिए। कितना आप रोल मानते हैं ताहिर हुसैन जी का? ताहिर हुसैन का 90-100% रोल है। क्या लगता है आपको, क्या ताहिर हुसैन नहीं हुआ कि साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई है? साजिश से हुई है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा। संसद में एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा ताहिर हुसैन के घर से जिस तरीके के एविडेंस मिले उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने उसके घर को और पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहां पर जितने भी शटर्स हैं, जितनी भी दुकानें थी उनको अब फिलहाल। दिल्ली हिंसा का जिक्र होते ही जहन में खौफ बनने लगता है। हिंसा की चपेट में हजारों परिवार आए। दिल्ली पुलिस में डीसीपी अमित शर्मा भी उपद्रवियों का निशाना बने। डीसीपी शर्मा ने अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ी और अब वो घर लौट आए हैं। उनकी पत्नी ने आज तक से अपना दर्द साझा किया। दिल्ली हिंसा में डीसीपी शहादरा अमित शर्मा बुरी तरीके से घायल हो गए थे। एक पूरी भीड़ ने उन पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद लंबा उनका इलाज चला और काफी समय हॉस्पिटल में रहने के बाद घर वो पहुंचे हैं। क्या कंडीशन है मैम? अब देखिए, अब पहले से बहुत बेहतर है। जो कि क्रिटिकल टाइम था वो ओवर हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चैलेंजिंग चीज़ें हैं जो कि अभी चल रही हैं और इन्फेक्शन का डर रहता है। एक इतनी बड़ी ब्रेन की सर्जरी हुई है, उसके बाद में काफ़ी डर रहता है। डॉक्टर्स ने कहा है बहुत प्रिकॉशंस लेने के लिए। अभी उनको 3 से 4 महीने लगेंगे। एक छोटी सी सर्जरी है जो कि अभी उनकी और होनी है 1.5-2 महीने बाद, तो अभी उनको कम से कम 4 महीने लगेंगे दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए, वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। क्या पता लगा था, इंजरीज कैसे हुई थी, कैसे किस चीज़ की से इन पे हमला हुआ था? देखिए, अमित जब उस समय आए थे हॉस्पिटल तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे पूजा इतने लोग नहीं थे, सिर्फ वहाँ पे महिलाएं थी, 1200 महिलाएं थी जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। और मैं एक फिर उन्होंने मुझे बुलाया बातचीत करने के लिए, मैं अंदर गया उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने एकदम से ही उस सारी चीज़ों को वायलेंस में बदल दिया। उन्होंने घेर लिया अमित को, जो कि सर्विस रोड के अंदर था, वहाँ पर उन्होंने घेर लिया अमित को। और अमित ने जब एक्शन बोला तब पूरी पुलिस फोर्स एक्शन में भी आई, लेकिन उस समय तक 1200 की जगह वह 30,000 आदमी इकट्ठा हो चुका था और 30,000 आदमी के पास हॉकी स्टिक्स थी, आयरन रॉड्स थी, नाइफ्स थी, आपके लीथल वेपन्स थे, तो उनका सबका वो प्रयोग कर रहे थे और फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। फोर्स इधर तितर बितर हो गई, इधर उधर हो गई और उसके चक्कर में अमित को जो है वो बहुत ज़्यादा इंजरीज आई। उनके हेड में बहुत ज़्यादा इंजरी आई, पूरी बॉडी में इंजरीज आई। उनका कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं था जहाँ पे उनको इंजरी नहीं थी। फिर अनुज जी किस तरीके से? अनुज जो है, अनुज जो पहले तो अमित के ऑपरेटर है नवीन, उन्होंने काफ़ी अच्छे से अमित को पूरा कवर अप कर रखा था, तो उसकी वजह से उनको भी बहुत चोटें आईं, वो भी गिर गए वहाँ पे। और फिर उसके बाद में जो अनुज हैं, एसीपी अनुज हैं, वो उस भीड़ में से निकल गए थे, लेकिन उनको लगा कि सर नहीं कहीं दिख रहे हैं तो वो वापस गए। उन्होंने बहुत हिम्मत, वो ही इज़ अ लाइफ सेवर फॉर अस टुडे, तो उन्होंने हिम्मत करके वापस गए वो भीड़ में। देखिए, 30,000 की भीड़ में जाना भी बहुत बहादुरी का काम है। वो वापस गए उनको उठाने के लिए, वो उठा करके ले करके आए हैं। डीसीपी अमित शर्मा के लिए कवच बन गए थे एसीपी अनुज कुमार। अनुज कुमार ने ही उपद्रवियों से डीसीपी को बचाया। हमने उनसे भी बात की। जो भीड़ थी, जिसने भी पत्थरबाजी करी, उसमें महिलाएं, पुरुष और इनफैक्ट जुबिनाइल्स भी सभी शामिल थे।
और जो है हमारी जो पोजीशन उस वक्त वहीं पर थी। बाकी चूंकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो ब्रिजपुरी टी पॉइंट तक इकट्ठे हो गए थे, तो उनको कंटेन करने के लिए फोर्स भी थोड़ा सा स्प्रेड ओवर हो गई थी। दूसरा जो जो ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंस्ट्रक्शन टूल्स भी, जैसे फावड़े कुदाली वगैरह, वो सब भी जो भीड़ ने यूटिलाइज करे जो पुलिस पर्सनल उनको चार्ज करने के लिए। जैसा वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जो पीछे जो डिवाइडर था, डिवाइडर होने की वजह से बहुत तेज़ी से जो पुलिस पर्सनल हैं वो रिट्रीट भी नहीं कर पाए। इन जनरल ऐसा होता है कि जब क्राउड मॉब एकदम पास में आ जाती है तो थोड़ा सा पीछे हटकर फिर हम उन लोगों को चार्ज करते हैं, मगर उसकी वजह से बहुत तेज़ी से रिट्रीट नहीं कर पाए और इंजरीज और स्टैम्पीड भी काफ़ी हुआ और टीयर गैस भी इतना इफेक्टिव नहीं रही थी। तो तब प्राइम कंसर्न फिर यही था कि जो हमारी जो इंजरीज हैं वो किस तरीके से मिनिमाइज हों। रतन उस वक्त मेरे साथ में ही था, तो रतन को इमीडिएटली जब इंजरी हुई और वो कोलैप्स करा और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो तुरंत जो है उसको हमने इवैक्यूएट करा पीछे की तरफ। उसके बाद मेरा ध्यान जो है डीसीपी सर की तरफ था कि सर को जो है किस तरीके से फटाफट इतनी उग्र भीड़ से निकाल कर एक सेफ जोन में।